तो यहाँ ना अफ्रीका और एशिया के सवाना घास के मैदान और जंगलों में रहते हैं। हमेशा झुंड के साथ ही रहते हैं, अपने झुंड के साथ ही शिकार को ढूंढते हैं। बड़े से बड़े जानवर का भी अपना शिकार बनाकर सभी झुंड एक साथ मिलके उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ एक मादा है ना अपनी बच्चे को जन्म दे रही है। संभोग के मौसम के बाद शिशु के जन्म में 90 से 110 दिन का समय लग जाते हैं। अन्य जानवर से बचने के लिए हाइना बिल बनाकर उस बिल में बच्चे को जन्म देती है। मादा हाइना 2 से 4 सबकों को जन्म देती है और खड़े खड़े ही बच्चे को जन्म देती है। सबकों को 12 से 18 महीने दूध पिलाती है, लेकिन 5वें महीने में आते ही बच्चे मांस खाना शुरू कर देते हैं। बच्चे 2 महीने के अंदर ही खेलने और कूदने लायक हो जाते हैं। हाइना जब तक बच्चे दूध पीना नहीं छोड़ देते तब तक अपने सबकों की देखभाल करती है। इसी हाइना और उसके बच्चे को देखकर एक शेर शिकार करने के लिए आ रहा होता है। शेर को देखते ही हाइना बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाती है। हाइना के बच्चे भी डर से भागने लगते हैं क्योंकि माँ हाइना अकेली शेर से मुकाबला करना असंभव। शेर बच्चे को टारगेट करके 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ के एक बच्चे के पास पहुंच जाता है और एक ही छलांग लगाकर शेर बच्चे को पकड़ लेता है। तब अपने जबड़ों से दबोचना शुरू कर देता है। कुछ देर तक दबोचने के बाद मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, तब जाकर उसे छोड़ देता है। पर शेर बच्चे को नहीं खाता, सिर्फ उसे मारकर छोड़ देता है। हाइना दूर खड़े होकर देख रही होती है। शेर बिल में मुंडे डालकर दूसरे बच्चे को भी जबड़ों से पकड़कर बाहर निकाल लेता है। शेर के जबड़े में फंसा बच्चा अकेली माँ हाइना अपने बच्चे को बचाने में असमर्थ हो जाती है। शेर के करीब जाकर हाइना अपने बच्चे को लाना उसे हिम्मत नहीं होती। हाइना बच्चे को देखते हुए वहाँ से जा रहा होता है। शेर दोनों मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। फिर शेर दौड़ते हुए हाइना का पीछा करना शुरू कर देता है। हाइना भी शेर का डर से दुम दबाकर भागने लग जाती है, लेकिन कमजोर बच्चे की माँ हाइना ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती। जंगल का राजा शेर थोड़ी दूर दौड़ के हाइना को पकड़ लेता है और जबड़े से दबोचना शुरू कर देता है। शेर की ताकत के सामने हाइना अपना शरीर हिला भी नहीं पाती, जिस वजह हाइना लेटकर पड़ी रहती है। हार मानकर हाइना शेर से बोलती है, मेरे बच्चे को भी तुमने मार डाला, क्या तुम मेरी भी जान लोगे? शेर बोलता है, तुम जिंदा रहकर भी क्या करोगे? तेरी बच्चे की मांस मैं खा नहीं सकता, इसलिए अब तुम ही मेरा शिकार बन जाओ। हाइना बोलती है, ठीक है, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ना, मार कर खा जाना। अगर मुझे जिंदा छोड़ा तो तुझे महंगा पड़ेगा। शेर बोलता है, तुम इतनी छोटी 20 इंच की कमजोर वाली तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हो, और मैं जंगल का राजा, जंगल में हर जानवर मेरे से डरते हैं। शेर का एक घमंड सुनकर हाइना गुस्सा हो जाती है और किसी तरह शेर से छूटकर वहाँ से चली जाती है। शेर के जबड़े से बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिस वजह वह ठीक से चल भी नहीं पाती और अपने बच्चे की गम में अंदर से टूट चुकी होती है, जिस कारण सबसे पहले जाकर अपने बच्चे से मिलती है। जहाँ बच्चा मर चुका होता है वह अपने बच्चे को जीभ से चाटने लगती है। दोनों बच्चे को मरे हुए पाकर हाइना को बहुत दुख होती है, तब शेर से बदला लेने के लिए ठान लेती और जख्म से भरी हाइना यहाँ से अपने झुंड के तरफ जा रही होती, लेकिन डर की वजह झुंड के पास पहुँच नहीं पाती और बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही शेर से बदला लिए बिना ही इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत की खबर हाइना को पता चल जाता और जाकर सभी को बता देती है। सभी हाइना के झुंड मिलकर शेर से बदला लेने के लिए प्लान बना लेते हैं। जंगल में हत्यारा शेर को ढूंढते हुए निकल पड़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कातिल शेर मिल जाता है, जहाँ शेर सोया हुआ रहता है। हाइना पहुँचते ही शेर से बोलता है, साले तुम बच्चे और माँ को मारकर चैन की नींद सो रहे, लेकिन हम तुझे सोने नहीं देंगे। शेर को पता चल जाता है, वह सुन के मुंडी लटका कर बैठा ही रहता है। तब और एक हाइना बोलता है, इससे तो बदला लेना ही पड़ेगा। शेर हाइना का बात सुनकर सोचता है, अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। सोचकर शेर उठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी सारे हाइना के झुंड आकर शेर को घेर लेते हैं। तब शेर बोलता है, क्या हुआ, मुझे क्यों घेर के रख? जाओ यहाँ से अपना काम पे लग जाओ, नहीं तो तुम लोग को भी एक एक करके मार दूंगा। शेर का ये बात सुनकर सभी हाइना के झुंड गुस्सा हो जाते हैं और सभी मिलकर शेर को पीछे से काटना और दबोचना शुरू कर देते हैं। शेर की एक ही दौड़ में सारे हाइना के झुंड दूर हो जाते हैं, लेकिन हाइना वहाँ से नहीं जाते, सभी वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी और एक शेर इसे बचाने दौड़ते हुए आ जाता है और सभी हाइना को वहाँ से भगाने लग जाता है और हाइना भी शेर के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।